Dear students, under the topic of trends and issues in early childhood, today we are going to see how we overemphasize on core subjects of mathematics and literacy. We have previously discussed that actually this is the path of germ movement, which has certain standardized set of uh, rules for all teaching and learning activities for early childhood. So one of them is.

एज वेल एज देर इज़ लिटल वैल्यू ऑन होलिस्टिक डिवेलपमेंट जिसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स और लिट्रेसी को एम्फोसाइज करेंगे तो आप उनकी होलिस्टिक जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसको आप इग्नोर करेंगे तो जो मुकम्मल नशो नुमा है वो नहीं हो पाएगी फिर ये कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इन अप्रोप्रिएट हैं बहुत से हमारे साइकोलॉजिस्ट और ऑथर्स कहते हैं कि जो हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं उनको किसी एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड से गुजारना उन पे जुल्म है बल्कि यहाँ पे नटकी और वासमत को हम आपको दिखाते हैं दे से वट अबाउट एन अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस दैट वैल्यूज़ प्ले द आर्ट्स साइंस सोशल साइंसिस फ़िज़िकल एजुकेशन और डेवलपमेंट यानी उनके खेलने का उनकी तख्लीक का और उनकी फिज़िकल एजुकेशन और उस डेवलपमेंट का क्या हुआ अगर आप उनको इस तरह से स्टैंडर्ड्स के थ्रू मायर करेंगे इस पे बहुत सी तहक़ीक हुई है वर्ल्ड ओवर भी और हमारे पाकिस्तान में भी कि बहुत छोटे बच्चे किसी एक मजमून में या किसी एक डायमेंशन में नशोना नहीं पाते बल्कि उनको हर तरह से आउटलेट की ज़रूरत होती है अपने ख्याल जज्बात और अपने मुख्त सलाहियतों के इस्तेमाल की उनको ज़रूरत है तो बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जिनमें से जैसे ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि ग्रोइंग नंबर्स ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड टीचर्स एंड ऑथर्स आर कन्विंस्ड दैट दे आर कमिटिंग मेल प्रैक्टिस दैट दे आर एक्चुअली डूइंग हार्म मैनी टर्म चाइल्ड एब्यूज यानी अगर आप बच्चों को खेल से महरूम करते हैं उनकी कुदरती तखलिकत और उनकी दुनिया को इन्वेस्टिगेट करने की सलाहियतों को कंट्रोल करते हैं तो अल्टीमेटली आप उनको एब्यूज़ करते हैं आप उनकी सलाहियतों को कर्ब कर रहे हैं ना कि उसको नशो नुमा दे रहे हैं फिर जैसे अभी हमने अर्ज़ किया कि वो ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स और लिटरेसी ही सब कुछ नहीं है उनको अखलाकियात की भी ज़रूरत है उनको साइंस के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो रियल लाइफ से रिलेटेड हैं उनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है और इसके साथ ही उनको फिजिकल हेल्थ की भी ज़रूरत है खेल कूद भागना दौड़ना ताकि उनके पट्टों की नशो नुमा हो उनकी जहनी नशो नुमा हो और फिर वो दुनिया के अंदर जो रियल लाइफ हालात हैं जो कुदरती हालात हैं उनमें से गुजरें उनको समझें उनके करीब जाएं, ना कि क्लास रूम के अंदर एक ख़ास सिलेबस के ऊपर वो हावी हों वो मास्टर हों और फिर वो उसका एक बहुत सख्त सा इम्तहान दें तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब मोमेंट अपनी जगह लेकिन जो जैसा अब देखें इसमें अगला पहलू ये है कि इंटरनेशनल जो लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं से मिलते जुलते पाकिस्तान भी ऑप्ट कर रहा है और ना सिर्फ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया बल्कि जितनी दुनिया में जो ममालिक हैं जैसे जापान है चाइना है फ्रांस है वो लोग भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को अपनाना चाहते हैं कि शायद इस तरह से बच्चे बेहतर से पढ़ सकेंगे तो बहुत से ऑथर्स ऐसे हैं जो रिजिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप बच्चों को फ्रीडम दें फ्रीडम ऑफ प्ले फ्रीडम ऑफ थिंकिंग फ्रीडम ऑफ मूविंग एंड फ्रीडम ऑफ एक्टिंग